डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कविता की जो चंद लाइनें हैं ना, ये आप लोगों के ऊपर बिल्कुल सुटेबल है। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या कोटा में आते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, ताकि आप क्या कर सके, जेई क्लियर कर सके, यानी कि इंजीनियर बन सके, और नीट क्लियर कर सके, यानी कि डॉक्टर बन सके। लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए आपके बीच में जो एक वो आता है ना, दीवार, वॉल जिसको कहते हैं, वो होता है प्रेशर का। अब या तो वो प्रेशर हो सकता है कैसा, या तो मेंटली प्रेशर आप ले सकते हो, बैकलॉग का प्रेशर ले सकते हो, फैमिली का प्रेशर ले सकते हो, या फिर आजकल लोंडियाबाजी का भी प्रेशर हो जाता है। लेकिन आप लोग यार, मतलब इतने बच्चे हो, मतलब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन अपने आप से लेके आते हो, अपने माँ बाप की तरफ से लेके आते हो, ठीक है। माँ बाप सब कुछ आपके लिए करते हैं, मतलब किसी की तो ज़मीन दाव पे लग जाती है, किसी का घर बिक जाता है, किसी की मतलब जो है पेरेंट्स जो है वो पैसे ब्याज पर उधार लेकर आप लोगों को भेजते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे प्रेशर, छोटी मोटी समस्या के चक्कर में ऐसे सिर्फ डिसीजन ले लेते हो। मतलब क्या बोलूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको यार। मतलब प्रेशर नाम की चीज़ आपके दिमाग से हटा दो। कोटा में आप लोग पहुँचे हो ना, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलना चाहिए कि बस मेहनत करना है, यहाँ से सीख के जाना है। क्योंकि मेहनत करने का जो तरीका, यहाँ पर आप सीख के चले जाओगे, आपका सिलेक्शन हो नहीं हो, पर आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। और यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि मेहनत करना जब इंसान सीख जाता है ना, तो उसके पास पेशेंस नाम की चीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है। और पेशेंस नाम की चीज़ जब डेवलप हो गई और मेहनत आप लोग पहले से कर रहे, तो मेहनत और पेशेंस ये मिलकर जो है ना, ऐसा साइन अप, ऐसा सिस्टम तैयार कर देता है कि ऐसा लगता है कि सफलता जो है ना, वो हमारे आसपास ही कहीं ना कहीं खड़ी हुई है। तो यानी कि जब मेहनत करोगे आप कंटिन्यू, तो पेशेंस नाम की चीज़ डेवलप हो जाएगी और सफलता आपके आसपास ही होगी। और आप ऐसा भी महसूस ना कि सफलता आपको जल्दी नहीं मिली तो आप निराश हो जाओ, तो आपको निराश नहीं होना है। इसका एक बहुत बड़ा साइन है, मतलब जिस भी व्यक्ति को सफलता स्टार्टिंग में नहीं मिलती या लेट मिलती है ना, तो समझ जाना उसके लिए जो सफलता है ना, वो बहुत बड़ी सफलता तैयार खड़ी है, यानी कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत जल्द बहुत बड़ी जो सक्सेस है उसका वेट कर रही है। लेकिन उसको इंतज़ार तो करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस बड़ी हो, शानदार हो, लाजवाब हो, जोरदार हो, उसके लिए थोड़ा सा वक्त तो लगता है ना। क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी, जैसा कि अब्दुल कलाम सर कहे गए, गुच्छे की अंतिम चाबी जो है ना, वो भी किस्मत का दरवाज़ा खोल सकती है। और मेहनत करने वालों पर जो होती है ना किस्मत, वो हमेशा फ़िदा हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कई सारे महापुरुष ऐसा बोलते हो जाते हैं, लेकिन आप कोटा में आते हो, मेहनत करने के लिए आते हो, डॉक्टर बनने के लिए आते हो, इंजीनियर बनने के लिए आते हो, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज़ को लेकर आत्महत्या कर लेते हो। यार ऐसा क्यों करते हो आप लोग, नहीं कर सकते ना। तो आप इतना तो कर सकते हो कि यदि आपको बीच में, मतलब जैसे आप कोटा में पहुँच गए लेकिन आपसे नहीं हो रही, नीट क्लियर नहीं हो रही, या आपको जेई क्लियर नहीं हो रहा, तो माँ बाप से बोल तो सकते हो। माँ बाप में जो भी आपके क्लोज हो ना, पेरेंट्स में, मम्मी पापा जो भी क्लोज है, बोल दो उसको कि पापा मेरे पास ये समस्या आ रही है, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए ये चीज़ नहीं बनी, तो वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलेगा। ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम अपना जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उस बेस्ट फ्रेंड से बोलो कि यार मेरी ये समस्या है, मुझसे ये चीज़ नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन ये मैं इसको घर वालों को भी नहीं बोल सकता। तो अपना जो बेस्ट फ्रेंड है ना, आप उससे शेयर करोगे तो वो घर वालों को समझा देगा, क्योंकि समझाने से, डिस्कस करने से ही सोल्यूशन निकलेगा। सुसाइड करना ये मतलब सोल्यूशन थोड़ी होता है, मौत ये सोल्यूशन थोड़ी है। सोल्यूशन नाम की चीज़ बनी है किसके लिए, समस्या के लिए। इस ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन ना हो, तो सोल्यूशन हर चीज़ का होता है। तो आप लोग सोल्यूशन के पीछे भागिए, ना कि प्रॉब्लम्स के पीछे, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे डिसीजन मत लो यार, प्लीज़ यार, क्योंकि कोटा में आते हो, आप लोगों को लाखों रुपये खर्च होते हैं, हम लोगों को भी आपसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती है और हम लोग नहीं चाहते। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि यार इस पर नहीं बोलूँ, लेकिन आज ऐसी ट्रेजडी हो ही गई जिससे मुझे लगा कि नहीं यार, बच्चों को उस तो बोलना चाहिए। क्योंकि आप लोग आते हो कोटा में, इतना पैसा खर्च करते हो, माँ बाप इतनी एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं कि आप लोग कुछ अच्छा करके जाओ कोटा में, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाओ, तो मतलब एक जीवन में एक अच्छे इंसान बन जाओगे। क्योंकि कोटा में इस बार 200,000 बच्चे पहुँचे, तो 200,000 बच्चे पहुँचे ना, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी गौरव की बात है। लेकिन ऐसे केसेस हम सुनते हैं तो बड़ा, मतलब अंदर दिल को झटका लगता है। और ऐसी जगह पर मत जाओ यार जहाँ पर इतनी ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। आज का न्यूज़पेपर जो मैंने पढ़ा तो बड़ा दुख हुआ। कल मैंने इस मैटर को थोड़ा समझने के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे संपर्क नहीं हो पाया, मेरी बात नहीं हो पाई इस मैटर को पूरा क्लियर करने के लिए। तो आज जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा तो बड़ा दुख हुआ कि आप लोग सिर्फ इन्जॉय करने के लिए वहाँ जाते हैं और ऐसी ऐसी दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसी जगह पर आप लोगों को जाने से बचना चाहिए जहाँ पर किसी न किसी प्रकार के रिस्क हो, जहाँ पर हमारी जान को भी खतरा हो, ठीक है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो इस चीज़ को अब स्ट्रिक्टली लेगा, अब वो इजीली किसी स्टूडेंट को जो है ना इसी जगह पर जाने को नहीं देगा। तो आप लोग प्लीज़ यार इन चीज़ों से बचो भाई। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जो है वो, मतलब आप जो भी बात है ना आपकी, वो घर वालों को बता दो, लेकिन ऐसे डिसीजन मत लो।
कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आपका जो बेस्ट टीचर है उससे शेयर करो, कहीं ना कहीं उस समय रास्ता निकलेगा। और कुछ भी समझ में नहीं आया, आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, नहीं टीचर कर रहा, ना आपका फ्रेंड कर रहा, ना आपका पेरेंट्स कर रहा, और आप अपनी बात को नहीं बोल सकते पेरेंट्स से, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए ना, ये नंबर जो है 8619380278 नंबर मेरे पर्सनल नंबर है, ठीक है, आप लोग मुझे कॉल कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी समस्या बताइए। यदि कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँ तो आप लोग व्हाट्सएप पे अपना मैसेज डाल दिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा, मिल बांट के हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे पूरी। और फिर भी लगता है तो आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है, kota.jankari@gmail.com पर। और इसके अलावा एक और जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये नंबर हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मतलब जो भी प्रॉब्लम है ना, आप प्रॉब्लम बताओ, सॉल्यूशन निकालने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा डिसीजन प्लीज़ मत लो यार, क्योंकि आप लोग क्या है, बहादुर हो, और बहादुर लोग जो होते हैं ना, वो मतलब मैदान को छोड़कर नहीं भागते, मैदान को जीत कर चले जाते हैं। हार हो या जीत हो, पर मैदान में ही होना चाहिए। मतलब एक फेलियर होने से नहीं थोड़ी हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हो सकता है कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए तैयार खड़ी हो, कोई दूसरी चीज़ हमारे लिए बनी हो। सबके लिए तो बनी नहीं होती, IIT और JEE सब ऐसा हो भी नहीं सकता कि, और आपको पता है मेजोरिटी का सिलेक्शन होता भी नहीं है। लेकिन वो लोग जो अच्छी मेहनत करके जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कोटा से एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाने के बाद में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेते हैं। आप मुझे भी देख सकते हैं ना यार, मैंने ना तो कोई IIT करी है, ना कोई JEE करी। हालांकि मैं जानता हूँ घर वालों से दूर रहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं जो है ना, मैं आज दिन तक 2 दिन से ज़्यादा घर वालों से दूर नहीं रह पाता है। रहने की कोशिश भी कर ली तो मैं अपने आप को काफ़ी ऐसा अनकम्फर्ट फील करता हूँ, मैंने ऐसा महसूस किया है। तो घर वालों की कितनी मतलब एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं समझ सकता हूँ, घर वाले बहुत उम्मीद हमसे करते हैं, घर वाले से दूर हम हैं तो कितना पैसा खर्च होता है, कितना सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो उसके बदले में आप गलत डिसीजन, गलत एक्शन लेने की जगह आप लोग जो है मतलब सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिएगा, और ऐसे स्टेप्स मत लो। और आपको जब भी कुछ नेगेटिव लगे तो इन लाइनों का आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आपको लास्ट में जाते जाते मैं यही लाइनें बोलूँगा कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो कमेंट करके बताइए आपको जानकारी कैसे लगी है, और आपका इस बारे में क्या कहना है, जो मतलब बच्चे आजकल ऐसा कर रहे हैं, प्लीज़ मत करो। और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।